अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज रिएक्शन काइनेटिक्स में आती है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, अब कैटलिस्ट आपको पता है कि क्या होता है, कि इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब कैटलिस्ट जो है, हम अब ये है कैटालिसिस। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये कहते हैं कि कैटालिसिस कैन बी डिवाइडेड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजीनस कैटालिसिस एंड द सेकंड इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ठीक है, होमोजीनस कैटालिसिस क्या होता है? इट अकर्स व्हेन कैटलिस्ट इज इन सेम फेज एज द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल अगर आपको करवाऊं कि मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स करता हूं CH3COOC2H5, दिस इज प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, मैंने वाटर डाला, ठीक है, विच वॉज इन लिक्विड फॉर्म, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें मैंने जो कैटलिस्ट डाला उसमें एच पॉजिटिव आयन थे, वो एक्वस फॉर्म में था, CH3COOH एक्वस हो जाएगा प्लस C2H5OH, दिस इज ऑल्सो एक्वस। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, ये होमोजीनस कैसी है, इसको ये जो है, जो मैंने ये लिखा था सारा, इसको ये किस तरह जस्टिफाई करता है? वो इस तरह करता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और जो कैटलिस्ट है, वो सारे सेम फेज में, एक्वस में है, पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड गैस तो नहीं है ना, तो इस तरह जो है वो, इसको हम कहते हैं कि ये है अपना। अच्छा, अब इसी तरह हेटरोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, इसको ऑपोजिट कर दो, इट अकर्स व्हेन द कैटलिस्ट इज इन अ डिफरेंट फेज टू द रिएक्शन मिक्सचर, उसको हम कहते हैं कि वो हेट्रोजीनस है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होनी है, इसकी एग्जाम्पल मैं करवाता हूं कि डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 एक्वस फॉर्म में और 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, MnO2 सॉलिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट तो एक्वस में, प्रोडक्ट लिक्विड हो या गैस में, और कैटलिस्ट सॉलिड में है, तो ये डिफरेंट फेजेस है ना, तो इसलिए जो ये है अपना हेट्रोजीनियस। तो बेसिकली इससे हमें पता ये चलता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया बार बार, फेज, ठीक है, कि फेज क्या होता है, तो फेज आपको पता चल गया कि फेज इज बेसिकली अ स्टेट, ठीक है, कि किस स्टेट में है। ठीक है, अब एक एक को करके जो है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है, इट इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ आयंस इन्वॉल्व इन कैटलिस्ट्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम करवाते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो मैं करवाता हूँ होमोजीनियस की, वो है पेरोक्सी डाइसल्फेट आयंस S2O2 नेगेटिव। ठीक है, हम कहते हैं S2O8 टू नेगेटिव आयंस है एक्वस फॉर्म में अपनी, ठीक है, और ये आयोडाइड आयंस एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बनाते हैं 2SO4 टू नेगेटिव एक्वस फॉर्म एंड I2 एक्वस फॉर्म। चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है ना, I नेगेटिव -1 से 0 पे चला गया, तो चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है। ठीक है, दिस रिएक्शन जो है इट इज वेरी स्लो,
ठीक है। और आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस इसलिए क्योंकि द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज एक्वस में, ठीक है। इसके अलावा द पेरोक्सीडाइल सल्फेट हैज नेगेटिव चार्ज अलोंग विद आयोडाइड आयंस इन ऑर्डर टू कोलाइड एंड रिएक्ट, ठीक है। अब दोनों के नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पर इसमें रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन है भी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है। अब उनको कोलाइड करके रिएक्ट करने के लिए दीज आयंस नीड एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस, इसीलिए जो कैटलिस्ट ऐड किया जाता है Fe3+ एक्वस कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें फिर टू स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन की बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं कि टू Fe3+ एक्वस प्लस टू I- एक्वस, टू Fe2+ एक्वस प्लस I2 एक्वस, ठीक है। और इसके अगर हम स्टेप टू की बात करें तो ये इसका स्टेप वन है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें रिडक्शन ऑफ Fe3+ आयंस टू Fe2+ आयंस किसके थ्रू, I- आयंस के थ्रू, ठीक है। अब स्टेप नंबर टू में क्या होगा, Fe2+ आयंस की ऑक्सीडेशन होंगी बैक टू Fe3+ आयंस बाय S2O8-, क्योंकि Fe3+ आयंस, ठीक है। देखें टू Fe2+ एक्वस में प्लस S2O8-2- ऑफ कोर्स एक्वस में होगा, टू Fe3+ एक्वस फॉर्म में प्लस टू SO4-2- एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह जो है वो करना है। अब ये है कि देखें Fe3, इसकी अगर आप नेट इक्वेशन लिखें, मैं अगर आपको कहूँ कि यार इसकी नेट इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, टू Fe2+ प्लस टू आई ने सॉरी Fe2+ भी कट जाएगा, टू I- प्लस S2O8-2- गिव्स अस I2+ S2O4-2-, तो ये इसकी नेट इक्वेशन आपके पास बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब आपके पास एक और चीज आपने नोट ये करनी है कि आप देखें कि आपके पास जो है वो जो चीज दोबारा आ रही है हमारे पास बन के, टू Fe3+ और टू Fe3+, ये हमारे पास रीगेन हो रहा है, ये रीगेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो था वो कैटलिस्ट था। अब इसी रिएक्शन की हमें जो है वो कहने को अगर आ जाए कि भाई अब इसकी जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, तो हम किस तरह बनाएंगे, तो वो देखिएगा आप कि वो इस तरह है कि देखिए ये जो रिएक्शन था वो टू स्टेज रिएक्शन था, ठीक है। दो इक्वेशन ऊपर लिखी है, तो इसकी जो थी वो आपके पास इस तरह टू हम्प्स जो है वो आप इसके विटनेस करेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है जी। टू हम्प्स होंगे और ये कैटलाइज रिएक्शन होगा आपके पास, और इधर आप लिखोगे S2O8-2- प्लस टू I-, जो मेरे नोट्स है ना रिएक्शन काइनेटिक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है उसमें ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ठीक है, टू प्लस I2, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन वन हो जाएगा और ये जो है ये आपके पास रिएक्शन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थी ये थी होमोजिनस कैटालिसिस। अब जो है वो हम बात करने वाले हैं हेट्रोजिनस कैटालिसिस की। ठीक है, अब हेट्रोजिनस कैटालिसिस की जो है उसमें क्या होता है कि देखें इसमें कुछ टर्म्स आपके पास आती हैं, वो है एडसॉर्प्शन, ठीक है, और डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस में जो है वो एक हम एग्जांपल जो करते हैं वो है हेबर प्रोसेस की, ठीक है। तो उसकी जो है वो एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाता हूं अभी,
ये जो आयरन इन द हेबर प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और आयरन जो है वो कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट जो होता है इट वर्क्स बाय अलाइंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोज टुगेदर ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन, दे आर मोर लाइकली टू रिएक्ट। और फिर इसके बाद जो है वो मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस है, एक फिगर है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो आपको इससे और अच्छी समझ आ जाएगी जी। तो ये है वो डायग्राम जो मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप जो है डिफ्यूजन टू द सरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सरफेस ऑफ आयरन है, इसके पास आके जो है वो डिफ्यूज करेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होगा वो इस प्रोसेस का, वो फिर होगा एडसॉर्प्शन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर केमिकली अब्सॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ द आयरन, ठीक है, वो केमिकली अब्सॉर्ब होंगे आयरन की सरफेस के साथ। द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द आयरन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू वीकन द कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सो द एटम कैन रिएक्ट विद ईच अदर, वीक इनफ टू ब्रेक एंड अलाउ द प्रोडक्ट टू लीव द सरफेस। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट कमजोर होके आपस में रिएक्ट कर सकती हैं, और इतने कमजोर होते हैं कि वो इस बात की इजाजत देते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो लीव कर दे आयरन की सरफेस। तीसरे स्टेप पे फिर आपके पास रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं कि न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता यह है कि जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई थी, एब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब हुई थी, ठीक है, वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स रिएक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये देखो अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। और ये फिर उधर आपके पास जो है वो NH3 बन गया, अमोनिया आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर जो फोर्थ स्टेप है, इधर आपके पास डिसॉर्प्शन है, ठीक है, डिसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन है एक चीज और दूसरी चीज है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में क्या होता है, द बॉन्ड्स बिटवीन द अमोनिया एंड द सरफेस ऑफ द आयरन वीकन एंड आर इवेंचुअली ब्रोकन। अमोनिया और आयरन की सरफेस के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं और जो हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप जो होता है इस प्रोसेस का वो है डिफ्यूजन, अगेन इट इज डिफ्यूजन, और जो अमोनिया है डिफ्यूजेस अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द आयरन, ठीक है। तो ये जो था दिस वॉज दी हेट्रोजीनस कैटलिसिस की एग्जाम्पल जो थी, उसमें हम ये चीज करवाते हैं, ठीक है। इधर एक बात जो है वो याद रखिएगा मेरी, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जब आप लिख रहे हो ना कि आपके पास एड्सॉर्प्शन, सॉरी एड्सॉर्प्शन हो रही है, तो एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है, और डिसॉर्प्शन का मतलब होता है न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये वो चीज है जो आप इसको ना अपने वो कर लीजिएगा, इसको आपने याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में जो है वो क्या फर्क होने वाला है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन में ओल्ड बॉन्ड जो है, डिसॉर्प्शन में न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर द कैटालिसिस की, इतना ही था, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने किरदार निभा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।